हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2008 का क्वेश्चन ऑन बाइनरी सर्च ट्री। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट BSTs कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ थ्री डिस्टिंक्ट कीज। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, हाउ मैनी डिफरेंट डिस्टिंक्ट BSTs, मतलब कितनी डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री बन सकती है जब हमें थ्री डिस्टिंक्ट कीज दी हुई हैं। तीन जो की दी हुई हैं उन तीनों की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री होती क्या है, फिर देखते हैं कितने नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री हमारे बनते हैं थ्री डिस्टिंक्ट कीज से। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री की सिंपली एक प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक नोड है, फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर एक्स है तो वाई और इसमें जेड है, तो वाई की जो वैल्यू है वो लेस देन एक्स एंड जेड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एक्स होनी चाहिए। ठीक है, सिंपली अगर एक नंबर के साथ रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जाम्पल अगर तीन नंबर ले लेते हैं 10, 20, 30, तो बाइनरी सर्च ट्री में फॉर एग्जाम्पल अगर 20 को हम रूट वन मान रहे हैं, 20 यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा 10 एंड दिस वन इज 30। तो इस ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा हर नोड पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम उसे बाइनरी सर्च ट्री कह सकते हैं। ठीक है, तब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि डिफरेंट BSTs कितनी बन सकती है विथ थ्री डिस्टिंक्ट कीज। तो हम चलो थ्री डिस्टिंक्ट कीज लेनी है तो 10, 20, 30 को एग्जाम्पल मान लेते हैं। हमारे पास तीन कीज हैं, 10, 20, 30, ये तीन वैल्यूज हैं। इनसे हमें बाइनरी सर्च ट्री बनानी है। हमें ये बतानी है कितनी डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री बन सकती है। तो ये देखने के लिए तो हम इन तीन वैल्यूज को ट्री में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, एम्प्टी एक बाई BST है उसमें हम इंसर्ट करेंगे। तो तीन नंबर्स को इंसर्ट करने के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे पास, वो होते हैं 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 को फिक्स रखें, 20, 30, 10 को फिर से फिक्स रखें, फिर हम 30 इंसर्ट कर सकते हैं, पहले इनकी रूट पोजिशन चेंज कर सकते हैं, 30 और 20 हो सकता है। फिर अब 20 को पहले रूट बना, 20 को पहले रखते हैं एंड फिर 10, 30, हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं किस ऑर्डर में हम इंसर्ट कर सकते हैं BST में। ठीक है, एंड 20, 20, 10, 30 हो गया। अब इसको ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, 20, 30, 10। अब 30 को बना लेते हैं फर्स्ट नोड, देन 10, 30, 10, 20, देन फिर 30 को यहीं रहे, सेम रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं 30, 20, 10। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये 6 कॉम्बिनेशंस आए हैं जिसे हम ट्री में इंसर्ट करके देखेंगे एंड देखेंगे फिर कितनी नंबर ऑफ BSTs हमारे पास आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये ऑर्डर है हमें BST में इंसर्ट करने का, 10, 20, 30, इनको नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट के लिए बना के देख रहे हैं। ठीक है, 10, 20, 30, 10 सबसे पहले आया तो 10 हमारा रूट नोड बन जाएगा। ठीक है, 10 हमारा रूट नोड हो गया। फिर आया 20, 20 को चेक करेंगे 10 से, 10 से छोटा है या बड़ा है, 10 से बड़ा है तो उसके राइट साइड में जाएगा, 20 बड़ा है। ठीक है, अब 30 को, अब तो आएगा 30, 10 हो गया, 20 हो गया। अब 30 को चेक करते हैं, 30 10 से बड़ा है यस तो इसके राइट में आएगा, 20 से भी बड़ा है 30 तो इसके भी राइट में आएगा। ठीक है, एक BST हमारी एक ही बन गई। ठीक है, दूसरा ऑर्डर ले लेते हैं 10, 30, 20 के साथ, 10, 30, 20 के साथ। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पे सबसे रूट नोट क्या होगी हमारी, 10 होगी। ठीक है, 10 को रूट वन बना लिया हमने। अब तो आया 30, 10 से कंपेयर करेंगे, 10 से बड़ा है 30 तो उसके राइट में आएगा, तो 30 यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं 20 आएगा, 10 हो गया, 30 हो गया, 20 को कहाँ इंसर्ट करना होगा, 20 को 10 से कंपेयर करेंगे, 10 से बड़ा है तो उसके राइट में आएगा, 30 से कंपेयर करेंगे, 30 से 20 बड़ा है तो इसके, 30 20 से बड़ा है तो इसके लेफ्ट में आएगा। ये वाली BST और ये वाली BST हम देख सकते हैं दोनों डिफरेंट BST हैं। तो एक BST ये हो गई हमारे पास। अब तक हमारे पास दो कॉम्बिनेशन ट्राई करे एंड दो डिफरेंट BST बन रही है। ठीक है, अब फर्दर थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या था हमारे पास, 20, 10, 30, 20, 10, 30। अगर 20 को रूट वन माने देन फिर 10 आएगा, 10 को 20 से कंपेयर करेंगे, 20 से छोटा है देन 10 इधर आएगा, 30 को कंपेयर करेंगे 20 से, 20 से बड़ा है 30 तो इसके राइट में आएगा। आप इन तीनों में देख सकते हैं तीनों डिफरेंट BSTs हैं, यस ये भी BST है एक, तीनों डिफरेंट ट्रीज हैं, यस। अब फोर्थ ऑप्शन ट्राई करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, 20, 30, 10, 20, 30, 10। ठीक है,
20 30 10 से कैसे बना सकते हैं? 20 रूट नोड हो गया हमारा, ठीक है। अब 30 को इंसर्ट करना है, 20 से कंपेयर करेंगे, 20 से बड़ा है 30 तो इसके राइट में आएगा। अब 10 आएगा, 10 से चेक करेंगे, 10 और 20 को कंपेयर करेंगे, 10 20 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आएगा। आप देख सकते हैं, अब जो हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन और फोर्थ कॉम्बिनेशन में जो ट्री बना वो दोनों एकदम सेम बना है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ये BST तो है, BST यस, पर ये जो जो थर्ड और फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन है इसे हम एक ट्री ही मानेंगे। मतलब ये दो ट्री हैं यहाँ पे, पर ये दोनों इक्वलेंट हैं, थर्ड वाली और फोर्थ वाली बिल्कुल सेम है, तो इनमें से कोई एक ही लेंगे। आप कोई से भी ले सकते हैं, मतलब दोनों एक ही हैं तो थर्ड और फोर्थ में से कोई एक ही ले सकते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ ऑप्शन के लिए ट्राई करते हैं। अब तक हमारे पास कितनी BST आ गई है? 3 BST आ गई है, फर्स्ट से, सेकंड से, और थर्ड और फोर्थ से 1 BST आई है, दोनों इक्वल हैं इसलिए। अब फिफ्थ को ट्राई कर लेते हैं, फिफ्थ को ट्राई करेंगे तो 30 10 20। सबसे पहले 30 को इंसर्ट करेंगे, 30 रूट नोड बनेगा। अब 10 को कंपेयर करेंगे 30 से, 10 30 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आएगा। अब 20 की बारी है, 20 को 30 से कंपेयर करेंगे, 20 30 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आएगा, 10 से बड़ा है तो इसके राइट में आएगा 20। आप देख सकते हैं जो पहले से ट्रीज बनाई थी उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये भी एक BST हो गया। अब तक हमारे कितनी BST हो गई है? 1 2, थर्ड और फोर्थ से एक लिया था 3, और एक पांचवे से 4, ठीक है। अब तक हमारे पास 4 आ गई है, ठीक है। अब 6 कॉम्बिनेशन से ही बना लेते हैं, 30 20 10, 30 20 10। अब 30 रूट नोड है हमारा, ठीक है, 30 रूट नोड बन गया। अब 20 आएगा, 20 को इससे कंपेयर करेंगे, 30 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। अब 10 आएगा, 10 30 से छोटा है, 10 20 से भी छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएगा। 1 BST हमारा ये बन गया। तो पहले हमारे पास 4 थे, 4 और 1 5 BST बन गए, ठीक है। आप देख सकते हैं एक ट्री हमारा ये बना, 6 वाला, एक फिफ्थ वाला बना, सब डिफरेंट है अपने आप में, डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट डिस्टिंक्ट का मतलब एक ही है। थर्ड और फोर्थ में कोई एक ही देगा हमें, दोनों इक्वल देगा, तो थर्ड और फोर्थ से एक बना पूरा कॉम्बिनेशन, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला, सेकंड वाले से भी, फर्स्ट वाले से भी। तो फर्स्ट 1 2, इन दोनों से एक मिला, 3 4 5, हमारे पास फाइनल कितने BST आए? 5 BST आए, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए था 4, नहीं, ऑप्शन बी था 5, यस, बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। मैं इस पे एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एवियल ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उस वीडियो को वेट करने के लिए, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, थैंक यू।